नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है मॉर्निंग न्यूज का, तो आइए नगर डाल लेते हैं आज की कुछ बड़ी और खास खबरों पे। राजस्थान में भजनलाल सरकार के कार्यकाल का आज ये पहला पूर्णकालिक बजट होगा। आज यानी 3 जुलाई से बजट सत्र की शुरुआत होगी। बता दें कि इससे पहले फरवरी में विधानसभा में भजनलाल सरकार ने अंतरिम बजट पेश किया था। झामुमो कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर आज सत्ता पक्ष के विधायकों की बैठक होगी। इसमें सभी विधायकों को उपस्थित रहने के लिए कहा गया है। बता दें कि इस पर सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। माना जा रहा है कि बैठक में इंडिया गठबंधन विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति को धार देगा। सहायक आयुक्त एवं सचिव रेडक्रॉस सोसाइटी जिला रेडक्रॉस सोसाइटी की वार्षिक बैठक आज यानी 3 जुलाई को प्रातः 11 बजे उपायुक्त कार्यालय के बचत भवन में आयोजित की जाएगी। बता दें कि बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त एवं अध्यक्ष जिला रेडक्रॉस सोसाइटी सिरमौर सुमित खिमटा करेंगे। एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए आज खुलेगा। बता दें कि ये एक बुक बिल्ट इश्यू है, जिसके जरिए कंपनी ने 1952.03 करोड़ रुपए जुटाने का प्लान बनाया है। पुणे स्थित फर्म एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड एक दवा कंपनी है। कुशीनगर में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पडरौना कुशीनगर में आज यानी 3 जुलाई को प्रातः 9 बजे से एक दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। बता दें कि इसमें आईटीआई उत्तीर्ण अभ्यर्थी बायोडेटा एवं समस्त शैक्षिक योग्यता के साथ प्रतिभाग कर सकते हैं। अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा। हरियाणा में कंपार्टमेंट की एक दिवसीय परीक्षा का संचालन आज यानी 3 जुलाई को होगा। बता दें कि इस परीक्षा में 20,707 परीक्षार्थी, जिनमें 12,529 छात्र तथा 8,178 छात्राएं प्रदेश भर में 75 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा देंगे। परीक्षा का समय 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। चक्रधरपुर मंडल में लाइन ब्लॉक के कारण 4 ट्रेनें आज यानी 3 जुलाई को अप डाउन में रद्द रहेंगी। बता दें कि दक्षिण पूर्व जोन के अनुसार टाटा नगर से हटिया, बरकाकाना, गुवा समेत झारग्राम पुरुलिया पैसेंजर ट्रेन रद्द होगी। वहीं धनबाद टाटा नगर स्वर्णरेखा एक्सप्रेस को आद्रा और आसनसोल टाटा नगर मेमू ट्रेन को पुरुलिया स्टेशन तक चलाने का आदेश है। हिसार में एक कदम जिंदगी की ओर संस्था की तरफ से आज यानी 3 जुलाई को अग्रसेन भवन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। बता दें कि उदित फाउंडेशन, ग्रीन हिसार, फिट हिसार और हिसार रोडी संस्थाएं भी इसमें सहयोग कर रही हैं। रायबरेली में अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था आज सुबह 11 बजे रवाना होगा। बता दें कि अमरनाथ महासंघ के अध्यक्ष राजेंद्र अवस्थी ने उक्त जानकारी देते हुए सभी शिव भक्तों एवं अमरनाथ यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे समय से जगमोहनेश्वर मंदिर पहुँचे। मौसम विभाग ने आज गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती सहित पूर्वी यूपी के 23 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बता दें कि इस दौरान 40 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। वहीं कुछ स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने की संभावनाओं को लेकर लोगों को सतर्क रहने की अपील की गई है। वक्त हो चुका है इतिहास का, तो आइए जानते हैं आज का दिन क्यों है कुछ खास। आज ही के दिन 1972 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद शिमला समझौता पर हस्ताक्षर हुए। आज ही के दिन 1979 में भारतीय निशानेबाज आरती सिंह राव का जन्म हुआ। आज ही के दिन 1989 में सोवियत संघ के पूर्व राष्ट्रपति आंद्रेई ग्रोमिको का निधन हुआ। आज ही के दिन 1992 में रियो डी जेनेरो ब्राजील में पृथ्वी सम्मेलन की शुरुआत हुई। आज ही के दिन सन 2020 में प्रसिद्ध भारतीय कोरियोग्राफर सरोज खान का निधन हुआ था। मॉर्निंग न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।